हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जी के माधिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेट एग्जाम 2024 के लिए पैडागोजी एंड अदर स्किल से 50 प्रश्न देखेंगे, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्र शब्द का क्या अर्थ है? तो दोस्तों बताना है, शिक्षा शास्त्र का शब्द का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन में दिया गया, बच्चे का मार्गदर्शन करना, बच्चे का नेतृत्व करना, बच्चे को शिक्षित करना, बच्चे को समझना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्चे का नेतृत्व करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा शास्त्र का अध्ययन है, तो शिक्षा शास्त्र का अध्ययन जो है क्या है? ऑप्शन में दिया गया, शिक्षा, छात्रों का मार्गदर्शन करना, सीखने की प्रक्रिया, शिक्षण विधियाँ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शिक्षा शास्त्र का अध्ययन है शिक्षण विधियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के शारीरिक विकास को दर्शाता है? तो दोस्तों बताना है कि कौन सा बच्चे के शारीरिक विकास को दर्शाता है। ऑप्शन में दिया गया, नकारात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक, सकारात्मक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मात्रात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बच्चे की वृद्धि एवं विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि है? तो दोस्तों बताना है कि बच्चे की वृद्धि एवं विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि जो है क्या है? ऑप्शन में दिया गया है, मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासात्मक विधि, सांख्यिकी विधि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विकासात्मक विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षा में सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में दिया गया है, आईटी, आईसीटी, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आईसीटी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विकास में PSRN शब्द का तात्पर्य है? तो दोस्तों बताना है, विकास में जो है PSRN शब्द का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन में दिया गया, समस्या समाधान, तर्क और संख्यात्मकता, समस्या समाधान, संबंध और संख्यात्मकता, अवधारणात्मक कौशल, तर्क और संख्यात्मकता, अवधारणात्मक कौशल, संबंध और संख्याएं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विकास के PSRN शब्द का तात्पर्य होता है अवधारणात्मकता, कौशल, तर्क और संख्यात्मकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन में दिया गया, बाध कंडीशनिंग, अंतर्दृष्टि, परीक्षण और त्रुटि, शास्त्रीय कंडीशनिंग। तो दोस्तों बताना है कि व्यक्ति अपनी गलतियों से ही सीखता है, यह कथन जो है किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, परीक्षण और त्रुटि पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? ऑप्शन में दिया गया, व्यक्तियों की योग्यता, रुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करें, पाठ्यक्रम को व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित करने का प्रयास करें, दोनों ए और बी, और डी ऑप्शन में दिया गया, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षकों को छात्रों के सामने जानकारी स्पष्ट और रोचक तरीके से प्रस्तुत करनी चाहिए, इस नई जानकारी को छात्रों से जोड़ना चाहिए। तो दोस्तों बताना है कि शिक्षकों को छात्रों के सामने जानकारी स्पष्ट और रोचक तरीकों से प्रस्तुत करने चाहिए और इस नई जानकारी को छात्रों से जोड़ना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया, पता नहीं, पहले से पता है, जानने को इच्छुक, जानने को तैयार नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पहले से ही पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कलानुक्रमिक आयु 4 वर्ष है तो बच्चे का IQ क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर मानसिक आयु दिया गया 5 वर्ष, कलानुक्रमिक आयु यानी वास्तविक आयु 4 वर्ष दिया गया है, तो बच्चे का IQ यानी बुद्धि लब्धि निकालना है। तो दोस्तों बुद्धि लब्धि यानी IQ निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। तो मानसिक आयु 5 दिया गया है, कलानुक्रमिक यानी वास्तविक आयु 4 है, गुणे 100 करेंगे, 25 चौके 100, 25 गुणे 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 125। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 125। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। ऑप्शन में दिया गया विकास एक जैविक प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, सीखना व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये दोस्तों सत्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सोलिस्टिक डोमेन में फॉर्मेटिव असेसमेंट का उपकरण नहीं है। ऑप्शन में दिया गया बातचीत कौशल, बहुविकल्पिक प्रश्न, परियोजनाएं, मौखिक प्रश्न। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, परियोजनाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है जॉन डीवी के अनुसार स्कूल एक खाली स्थान संस्था है और शिक्षा एक खाली स्थान प्रक्रिया है। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया सामाजिक दार्शनिक पर्यावरण मनोवैज्ञानिक। तो दोस्तों जॉन डीवी के अनुसार स्कूल एक जो है सामाजिक संस्था है और शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है विशेष शिक्षा का संबंध है। तो विशेष शिक्षा का संबंध किससे है। ऑप्शन में दिया गया प्रतिभाशाली छात्रों के लिए शैक्षिक, विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, मंद बुद्धि व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो विशेष शिक्षा का संबंध जो है विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्नों के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन में दिया गया एक अनुभवहीन शिक्षक भी आसानी से प्रश्न तैयार कर सकता है, सभी विकल्प प्रशंसनीय प्रतीत होती है, कंप्यूटर द्वारा त्रुटि रहित और त्वरित मूल्यांकन संभव है, विकल्पों में से एक ही सही उत्तर है। तो कौन सा इसका जो है सत्य नहीं बताना है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक अनुभवहीन शिक्षक भी आसानी से प्रश्न तैयार कर सकता है, ये दोस्तों विकल्प सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों जॉन डेवी के अनुसार स्कूलों को छात्रों को इसके लिए तैयार करना चाहिए। तो जॉन डेवी के अनुसार जो है बताना है कि स्कूलों को छात्रों को इसके लिए तैयार करना चाहिए, यानी किसके लिए तैयार करना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया है शोध, भावी जीवन, वर्तमान जीवन, उद्यमिता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वर्तमान जीवन के लिए जो है तैयार करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षार्थियों की सीखने की कमियों और कठिनाइयों की पहचान करता है। ऑप्शन में दिया गया प्लेसमेंट, योग्यात्मक, सतत, निदान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, निदान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं सीखने की खाली स्थान कम हो जाती है। तो दोस्तों बताना है जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं सीखने की जो है क्या कम हो जाती है। ऑप्शन में दिया गया शक्ति, गति, गुणवत्ता, मात्रा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गति कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है एक विद्यार्थी कि कलानुक्रमिक आयु और मानसिक आयु 7 वर्ष है, उसे किसी श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों कलानुक्रमिक आयु और मानसिक आयु दोनों दिया गया 7-7 वर्ष, ठीक है। तो बताना किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहले दोस्तों IQ निकाल देंगे, ठीक है। तो IQ बराबर मानसिक आयु बटा कलानुक्रमिक आयु यानी वास्तविक आयु गुणे 100, तो 7/7 और गुणे 100 करेंगे तो कितना आ गया, 100 आ गया। तो 100 दोस्तों होता है समान बुद्धि के लिए, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया है अज्ञान, शक्ति, इनाम, स्तुति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्तुति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है फाइन मोटर मूवमेंट के संबंध में कौन सा अन्य 3 से अलग है। तो दोस्तों बताना फाइन मोटर मूवमेंट के संबंध में जो है कौन सा अन्य 3 से अलग है। ऑप्शन में दिया गया डॉट, ज्वाइनिंग, श्रुति लेख, लिखावट, फलों और सब्जियां को अलग करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फलों और सब्जियों को अलग करना, ये अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों फ्री प्राइमरी चरण में लिखते समय जोर से पढ़ने को महत्व दिया जाता है, यह सीखने की किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन में दिया गया परीक्षण और त्रुटि, कंडीशनिंग, अंतर्दृष्टि, नकल।
तो दोस्तों बताना कि प्री प्राइमरी चरण में लिखते समय जोर से पढ़ने को महत्व दिया जाता है या सीखने की किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कंडीशनिंग पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, एमिल के अनुसार शिक्षा में सबसे महान कार्य यह बनाना है। तो एमिल के अनुसार बताना है शिक्षा में सबसे महान कार्य क्या बनाना है। ऑप्शन में दिया गया विचारक, उद्यमी, अच्छा नागरिक, तर्क करने वाला आदमी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अच्छा नागरिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी परीक्षण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो किसी परीक्षण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय जो है निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन में दिया गया विषय पर, निर्देशात्मक उद्देश्य, प्रश्नों के उत्तर से, शिक्षण समय से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शिक्षण समय से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, याद रखने, समस्याओं सुलझाने और निर्णय लेने सहित विचार प्रक्रियाओं के निर्माण से संबंधित अध्ययन के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में दिया गया शिक्षा शास्त्र, शिक्षा, ज्ञान मीमांसा, संज्ञानात्मक विकास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मनोविज्ञान एक है, तो मनोविज्ञान एक जो है क्या है। ऑप्शन में दिया गया है आत्म का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मनोविज्ञान एक जो है व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी विशेष क्षमता का जितनी अधिक बार उपयोग किया जाता है वह उतनी ही अधिक हो जाती है। ऑप्शन में दिया गया कमजोर, मजबूत, कम महत्वपूर्ण, अधिक महत्वपूर्ण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वह जो है उतने ही मजबूत हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा प्रेरणा का कारक नहीं है। तो कौन सा जो है प्रेरणा का कारक नहीं है। ऑप्शन में दिया गया पुरस्कार, प्रोत्साहन, स्तुति, अभ्यास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभ्यास जो है प्रेरणा का कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक, दोस्तों किसी विशेष क्षमता का जितने अधिक समय तक उपयोग नहीं किया जाता है वह हो जाती है। तो दोस्तों बताना है कि किसी विशेष क्षमता का जितने अधिक समय तक उपयोग नहीं किया जाता है वह क्या हो जाती है। ऑप्शन में दिया गया कमजोर, मजबूत, कम महत्वपूर्ण, अधिक महत्वपूर्ण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कमजोर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, 2 से 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं। तो 2 से 6 वर्ष की अवस्था को जो है क्या कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है, बचपन से पहले शैशवावस्था, बाद का बचपन, पूर्व किशोरावस्था। तो दोस्तों 2 से 6 वर्ष की अवस्था को जो है पूर्व बाल्यावस्था यानी बचपन से पहले कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों, यदि पी का अर्थ गुना, क्यू का अर्थ भाग, आर का अर्थ प्लस और एस का अर्थ घटाव है तो इसका वैल्यू निकालना है क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 154 दिया गया है। क्यू का अर्थ क्या है, भाग है, भाग करेंगे 14। एस का अर्थ क्या है, एस का घटाव है 7। पी का अर्थ गुना है 3। आर का अर्थ प्लस है 25। ठीक है, अब इसी को सोल्व करेंगे दोस्तों। तो यहाँ 14 से इसमें भाग देंगे तो कितना बार में कट गया, 11 बार में कटेगा। ठीक है, 11 बार में कट गया। अब इसको गुना करेंगे तो -21 और +25। अब यहाँ पर दोस्तों 25 और 11 कितना हो जाएगा, 25 और 11 हो जाएगा 36, और 21 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 5 और 1 15, 15 बचेगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन संबंधित है, किससे संबंधित है। ऑप्शन में दिया गया मछली उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, तेल उत्पादन से, खाद्य उत्पादन से। तो दोस्तों नीली क्रांति जो है संबंधित है मछली उत्पादन से। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। ऑप्शन में दिया गया राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीम आर राम अम्बेडकर, बी एन राव, श्री के सी मुंशी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सर बी एन राव थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, मारिया मोंटेसरी का नाम जुड़ा है, तो मारिया मोंटेसरी का नाम जो है किससे जुड़ा है।
ऑप्शन में दिया गया महिलाओं का अधिकारों से, बाल शिक्षा से, क्रिश्चियन मिशन से, मिशन अस्पतालों से। तो मारिया मोंटेसरी का नाम जो जुड़ा है बाल शिक्षा से, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों भारत के संविधान के शिल्पकार कौन कहे जाते हैं? तो भारत के संविधान के शिल्पकार जो है कौन कहे जाते हैं? ऑप्शन में दिया गया बी एन राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा राज्य का गठन 1987 में नहीं हुआ? तो कौन सा राज्य का गठन जो 1987 में नहीं हुआ? ऑप्शन में दिया गया मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मणिपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन भारत में पहली बार समान चुनाव कब हुआ? तो भारत में पहली बार समान चुनाव जो है कब हुआ? ऑप्शन में दिया गया 1947, 1949, 1950, 1951। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1951, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों यदि क्वेश्चन है जब 12 प्लस 10 इक्वल टू 1205, 11 प्लस 8 इक्वल टू 885, तो 16 प्लस 15 क्या क्या वैल्यू होगा निकालना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कैसे किया गया है, तो 12 गुने 10 करेंगे तो कितना होता है 120, और 5 एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया, ठीक है। इसी प्रकार इसको करेंगे 1188 और 5 जोड़ दिया एक्स्ट्रा, तो इसी प्रकार इसको करेंगे 16 गुने 15 करेंगे तो 16 गुने 15 करेंगे कितना आ जाएगा 240 आएगा, ठीक है। और 5 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो 2405 हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नीचे दिए गए चित्र में यदि ए डी कोण बी ए सी का समद्विभाजक है, ए डी जो है कोण बी ए सी का समद्विभाजक है, ठीक है, तो ए बी का वैल्यू क्या होगा? तो ए बी का वैल्यू निकालना है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो ए बी बटा करेंगे ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी बराबर बी डी बटा डी सी। ए बी निकालना है, ए सी का वैल्यू 7 दिया गया है, बी डी का 3 दिया गया है और डी सी का 4 दिया गया है। इसी को सोल्व करेंगे तो ए बी बराबर आ जाएगा 21/4। अब दोस्तों पॉइंट में करेंगे तो 5.25 सेंटीमीटर होगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है एक रिजु रेखा पर दो आसन कोण का मान x डिग्री और 2x-27 डिग्री है, तो दोनों में से छोटे कोण का मान क्या होगा? दोनों में से छोटे कोण का मान निकालना है। यहाँ पर दो आसन कोण दिया गया है x डिग्री और 2x-27 डिग्री, तो दोनों आसन कोण का योग 180 होता है, ठीक है। तो x प्लस 2x-27 इक्वल टू हो जाएगा 180, ठीक है। अब इसी को सोल्व करेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 27, इधर जाएगा -27 तो जुट जाएगा, तो 180 प्लस 27 करेंगे, ठीक है। 180 प्लस 27 कितना हो जाएगा 702 यानी 207। इसको काटेंगे तो 3 × 6 = 18 और 3 × 9 = 27, एक्स बराबर हो जाएगा 69 डिग्री, एक्स बराबर 69 डिग्री। तो एक्स का वैल्यू निकल कर आ गया, अब इसमें एक्स का वैल्यू रखेंगे तो छोटा बोल रहा है तो छोटा कोण यही आएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है? तो कोबाल्ट धातु जो है किस विटामिन में होती है? ऑप्शन में दिया गया विटामिन B1, B2, B6, B12, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा B12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है किसके द्वारा? इरेप्सिन के द्वारा, एस्टिरिप्सिन के द्वारा, पेप्सिन के द्वारा, इमाइलोसिन के द्वारा, यानी इमाइलेज के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इमाइलोसिन यानी इमाइलेज के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन वायरस होते हैं, वायरस जो है क्या होते हैं? ऑप्शन में दिया गया एक कोशिकीय, अकोशिकीय, बहुकोशिकीय, स्वतंत्र जीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकोशिकीय होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी, तो दोस्तों बताना चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा जो है क्या होगी, कौन सी ऊर्जा होगी? ऑप्शन में दिया गया है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज और स्थितिज दोनों शून्य। तो दोस्तों चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा जो होगी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेंटूरी मीटर से क्या मापा जाता है? तो वेंटूरी मीटर से क्या मापा जाता है? ऑप्शन में दिया गया द्रवों की चाल, द्रव का प्रभाव, द्रव का तापमान, द्रव का त्वरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द्रव का प्रभाव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है यदि एस का अर्थ गुना है, वी का अर्थ घटाना है, एम का अर्थ जोड़ है, एल का अर्थ भाग है, तो इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 72 दिया गया है, 72 एल का अर्थ क्या है? तो एल का अर्थ जो दोस्तों भाग है, तो भाग करेंगे 24, और एस का अर्थ गुना है, गुना करेंगे 3, और वी का अर्थ क्या है? घटाना, घटाव करेंगे 7, और एम का अर्थ जोड़ है तो जोड़ करेंगे 2, ठीक है। अब इसी को सोल्व करेंगे तो 34 72
तीन बार में कट गया, और 3 × 3 करेंगे 9 हो गया, और 9 - 7 और +2, ठीक है। तो 9 में से 7 गया कितना बचेगा, 2, और 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। तो 4 इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, मोहन एक मोटरसाइकिल का पीछा कर रहा है जो कि दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, तो मोहन किस दिशा में जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर मोहन जो है एक मोटरसाइकिल को पीछा कर रहा है जो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। तो दोस्तों मोहन भी जाएगा उसी दिशा में, पीछा कर रहा है तो उसी की दिशा में जाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 999.1/7 -999.2/7 +999.3/7 -999.4/7 बराबर क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम कैसे बनाएंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले अलग अलग करेंगे, 999 +1/7 करेंगे, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं, -999 + 2/7 प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 999 + 3/7 -999 + 4/7 इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब दोस्तों ब्रैकेट से हटाएंगे तो ये सब क्या होगा, 999 खत्म हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा एक दूसरे से। अब बच जाएगा दोस्तों 1/7, फिर हाँ अंदर का चिन्ह माइनस में हो जाएगा, -2/7, फिर प्लस है प्लस करेंगे 3/7, फिर यहाँ पर माइनस है तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा 4/7। अब इसी को सोल्व करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा -2/7, ठीक है। तो -2/7 इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी धन का 3.1/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में मिश्रधन 7,000 रुपया हो जाएगी। तो यहाँ पर मिश्रधन 7,000 दिया गया है, दर दिया गया है, समय दिया गया है, मूलधन निकालना है, ठीक है। मूलधन का फॉर्मूला लगाएंगे, P = A × 100 / 100 + RT, ठीक है। अब सभी का वैल्यू रखेंगे तो P का वैल्यू तो निकालना है, A का वैल्यू कितना दिया गया है, A का वैल्यू जो है 7,000 दिया गया है, ठीक है, गुणे 100 / 100 + RT, R कितना, 3 × 9 = 10/3 और × 5, ठीक है। इसी को सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर दोस्तों आ जाएगा 6,000 रुपया, ठीक है। तो 6,000 इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि 2x/m +x³ - 3x² - 26 को x - 2 से विभाजित करने पर शेष 994 बचता है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। m का मान निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो समीकरण दिया गया है, ठीक है, और जो शेष बचता है दोनों को बराबर करेंगे, तो 2x/m +x³ - 3x² - 26 = 994, ठीक है। अब x - 2 = 0, तो x बराबर क्या आएगा, 2। अब जो x के वैल्यू निकल के आएगा इसमें x का वैल्यू रख देंगे, ठीक है, तो 2 हो जाएगा (2)m +2³ कितना हो गया, 8 हो जाएगा, -2² × 3 4×3 = 12 हो जाएगा, -26 = 994। अब इसी को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों गुना में, ठीक है, 2×2m, तो गुना में अगर दोस्तों आधार सेम रहता है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है, यहाँ पर 1 है तो 2×1 हो जाएगा, m+1 हो जाएगा, ठीक है, m+1। अब यहाँ पर दोस्तों -26 कितना हो जाएगा, -38 में +8 घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, -30 = 994। अब 2×m+1 = -30 इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो जोड़ के आएंगे आएगा दोस्तों 4 × 9 = 12 × 9 = 10 यानी 1024। अब दोस्तों यहाँ पर 2 base 2 है, ठीक है, आधार कितना है, 2 है, तो इधर भी आधार 2 लाएंगे, ठीक है, तो आधार 2 लाएंगे तो दोस्तों 2×10 करते हैं तो 1024 आता है, 2×10 के बराबर 1024 आएगा। तो अब दोस्तों आधार यदि सेम हो गया तो पावर भी क्या होगा, सेम हो जाएगा, तो पावर सेम हो जाएगा, m+1 = 10 हो जाएगा, तो m बराबर क्या आ गया, m बराबर आ जाएगा 10 - 1 = 9, तो 9 इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।